all the clubs you're getting using my name. Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. It's me Lanzo and I'm from Spiti Valley. तो आज मैं जा रही हूँ कहीं घूमने. तो कहाँ घूमने जा रही हूँ वो मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको, मेरे साथ स्टे ट्यून रहना पड़ेगा और मैं काफ़ी अच्छी जगह जा रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि वो जगह कैसी है लिटरली. तो मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो मुझे नहीं पता अगर मैं वहाँ तक पहुँच, बिकॉज अभी लेट हो रहे हैं, जो मैंने जगह सोच रखा अगर मैं वहाँ तक पहुँच गई तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, अगर नहीं पहुँची कहीं और गई तो वो भी दिखा दूँगी. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. तो फिर चलो. ने सच ही कहा है, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना. सो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना मनमोहक, कितना मन को भाने वाला दृश्य है गाइस. लिटरली आप लोग भी आओ सो दैट आप लोग भी पॉजिटिव रहो हमेशा पहाड़ों की तरह. So hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel again. It's me Lanzo and I'm from Spiti Valley. तो आज मैं आई हुई हूँ अथल जगह घूमने. So let me show you. मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. देखो ये रहा अटल टनल. सो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है. कल मैं आप लोगों को बताती थी कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ बट मैं नहीं जा पाई बिकॉज कल मौसम ख़राब हो गया था. बट यू कैन सी ये अटल टनल का मेन गेट है और यहाँ पे अभी भी बर्फ़ है. देखो अभी भी बर्फ़ है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. ओह स्पीति की याद आ रही मुझे. तो लिटरली स्पीति में भी ऐसे ही मौसम होता है और ऊपर ऊपर से मौसम ख़राब हो रहा है. तो हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, कुछ खा लेते हैं. मैंने सोचा मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं आप लोगों को व्लॉग करके दिखा दूँ क्योंकि मेरा व्लॉग करने का उतना कुछ मोटिव नहीं था बट मैं यहाँ तक पहुँच गई बाई चांस. तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो लेट मी शो यू माई आउटफिट ऑफ द डे. नीचे पहने मैंने ये ब्लैक कन्वर्स और उसके ऊपर ये पहने लेगिंग, फिर अपना स्कर्ट और ये स्वेटर. तो कुछ इस तरह से है फाइनल लुक. तो चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं, ठीक है, कुछ खाएंगे हम लोग बिकॉज यहाँ पे खाने के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन है. देखो लोग अभी भी भुट्टा खा रहे हैं. भुंतर में तो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है तो हम लोग भुट्टा खाएंगे, ठीक है. कितना मस्त व्यू है गाइस, चेक करो. देखो आय हाय हाय हाय, कॉटन कैंडी जैसा लग रहा है. देखो कितना सुंदर लग रहा है. इसका सारा गंदगी उड़ के मेरे ऊपर आ रहा है. सो किस तरह दे रहे ये भुट्टा आप? 50 रुपये गाइज, महंगाई देख रहे हैं आप. 20 रुपये का भुट्टा मिल रहा है 50, बट टोटली वर्थ इट है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर आके इन्होंने अपना सेटअप लगाया है. तो आप लोग देख लीजिए, रहा हमारा भुट्टा. तो लेट मी टेस्ट, ठीक है. सो गाइज ये रहा हमारा. बाकी वहाँ पर गए आपने मेरे इस भुट्टे का पैसे दिया फिर? अच्छा ठीक है, मैं दूंगी आप जाओ, अब जाओ, मैं दूंगी, जाओ जाओ. कितना हुआ था इसका? 50 रुपीज. सो गाइस तो मैं अभी भुट्टा खा रही हूँ. तो व्लॉगर होना एक ही हाथ से काम करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है. पहले मैं उल्टे हाथ से कर रही थी. सो ये है स्वीट कॉर्न, आप रहने दो, मैं दूंगी, जाओ. हाँ जी मैं करूँगी, कोई बात नहीं. सो गाइस मेरा ये जो भुट्टा है ना, ये स्वीट कॉर्न है, ये बहुत ही ज़्यादा मीठा है. तो एक यहाँ पे एक अंकल थे, वो पेमेंट कर रहे थे, कुछ लिया नहीं तो मैंने सोचा मेरे वाला पेमेंट कर दिया अंकल जी से, बट ऐसा कुछ नहीं था. तो कोई बात नहीं, कुछ होता रहता है. ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है. अंकल बोल रहे मुझे केसर ले लो, ये प्योर केसर है, दिखाओ. अच्छा इसको हम कैसे यूज करेंगे? दूध में? दूध में, खीर में, मिठाई में, चोरे पे इसको लगा. सो गाइस क्या सोच रहे, ले लूं क्या? वैसे इतना सस्ता हो जाएगी? नहीं इतना सस्ता नहीं, बहुत कम. 200 रुपए का? गाइस 200 रुपए सस्ता है, ये महंगा है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अनियन, गुड़ की, गुड़ क्या रहा है, चने आगे, फूड कलर है. ये कौन सा मसाला है? ये गरम मसाला है, मिर्ची आगे, ये नमक क्या है, ये देखो ये खट्टा पानी, क्या मक्खन, क्या बात है, ये है. अब हम खाएंगे कुलचे.
ले लो आप कट्ठे बना देंगे। सो गाइस मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कुलचे, बहुत ज्यादा यम्मी है। इस अटल टनल की सुंदर वादियों को देखने लोग देखो कितना ज़्यादा आते हैं। तो वो कुलचे वाले आदमी बोल रहे थे कि मुझे उनका वीडियो बनाओ, तो इस वजह से मुझे बनाना पड़ा। तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम है, लोग देखो स्नो में कैसे फ़ोटो खींच रहे हैं। हाँ, और ना अभी कुलचे खा के मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड क्या मिर्ची लग रही है। मैंने ये जैकेट भी लाया था, मुझे लगा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, बिकॉज आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब मौसम बदल जाए, बिकॉज कल भी मौसम ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो ये हमारी ग्रैंड एंट्री होती है अटल टनल के अंदर। तो दिल थाम के बैठो साथियों, इसके बाद जो नज़ारा देखेंगे ना आप लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है लिटरली। तो हाँ, मज़ा लगा ना आप लोगों को, मज़ेदार लगा ना, मतलब आप लोगों का मन कर रहा होगा कि आए हाय हम होते हैं यहाँ काश, राइट। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आओ 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 पहाड़ों में आओ। आए हाय इतने सारे लोग थे ना, मन कर रहे एक गाना गा दूँ आप लोगों के लिए। गा दूँ क्या, तो गा लेती हूँ ठीक है। हुसैन पहाड़ों का क्या कहना, हुसैन पहाड़ों का क्या कहना, बहारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो ये थी मेरी प्रस्तुति आज की, तो तालियां ठोको। तो मैं ये अपना एंजॉयमेंट लेते हुए पहाड़ों के साथ अपने सुंदर सुंदर जुल्फों को सवारते हुए आप लोगों से बात करने की प्रैक्टिस कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गाना बज रहा था जिस वजह से कॉपीराइट आ रहा था। एंड ये देखो आई लव यू सो मच गाइस, हाय 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 हाय। सो गाइस अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं धूप भी जा रही है। तो मैंने अपना ये जैकेट पहना हुआ है एंड आई एम हियर एट लाहौल। और लाहौल में मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता मैं लोकेशन कहाँ पे हूँ, बट यहाँ सामने ये रिवर है और सामने ये पहाड़ है एंड शायद से हम लोग नांदी पहुँचने वाले हैं, आई डोंट नो। और यहाँ पे देखो परले साइड लोग भी हैं, स्टिल अपना वाइब आ रहा है, अपनापन आ रहा है, बिकॉज स्पीति भी ऐसी है और बहुत ज़्यादा यूनिक, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अपनापन फील हो रहा है मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट लेट्स सी, अभी कोई और लोकेशन में गई तो मैं दिखाऊंगी, अदरवाइज़ ये जो ब्लॉग रहने वाले हैं ना वो थोड़ा सा, मतलब कि फिर मैं नेक्स्ट ये भी शिफ्ट कर दूंगी मैं भी। हे गाइस, अभी मैं जो ये वीडियो है वो एडिटिंग के टाइम पे शूट कर रही हूँ और मैं खाना बना रही थी, तो मेरे पास थोड़ा सा फ्री स्पेस है इस वजह से, बिकॉज मुझे किसी ने बहुत ही बार रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपना जो इग्नू का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ आपके साथ। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो इग्नू का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा खास भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब वो भी नहीं रहा है, मीडियोकर रहा है, बिकॉज इससे पहले मैं चंडीगढ़ में मतलब कि इग्नू का मतलब वो करती थी अपना, तो वो कुछ खास नहीं था मेरे लिए, बिकॉज अपडेट्स ही नहीं मिलते थे मुझे कुछ भी, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस हुई। और यहाँ पर भी अपडेट मिलते ही नहीं, अपनी तरफ से नहीं देते, हमें बहुत ज़्यादा पूछताछ करना पड़ता है, बार बार सेंटर जाना पड़ता है, व्हाट्सएप पर भी ये लोग बहुत ज़्यादा लेट ज्वाइन करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा अभी जाके मेरे को किया है, जबकि मेरा जुलाई का मतलब कि बैच है और अब जाके मतलब मार्च में इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ऐड किया था। एंड इनका जो बुक का प्रोसेस है, फर्स्ट बुक तो ये लोग पहले भेज देते हैं और सेकंड बुक मेरा अभी तक नहीं आया है, जबकि मेरा सेकंड सेमेस्टर का मतलब असाइनमेंट भी लिखने को आ चुका है। तो आप लोग सोचो ना कि असाइनमेंट कहाँ से लेके, राइट। अब इंटरनेट पे हम देख के लिख लेते हैं, बाकी बुक्स वगैरह तो आई नहीं, मतलब एग्ज़ाम है अभी मेरे जून को और सेकेंड सेमेस्टर की, मतलब बुक्स वगैरह भी कुछ भी नहीं आए हैं, तो मतलब खुद को खुद से करना पड़ता है सेल्फ लर्निंग, मतलब सेल्फ लर्निंग तो इसमें होता ही है, वो तो खुद को करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, जिस भी सेंटर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है कोशिश करना कि उस सेंटर किसी मेम्बर या कोई भी मतलब जो वहाँ के नोन इंसान है उसका नंबर लेने की कोशिश करना, सो देट आप अपडेटेड रहो, ठीक है। अभी देखो जैसे आप गांव में रह रहे होंगे, अभी भी इन्होंने बोला था कि 15 को असाइनमेंट कैसे भी करके सबमिट कर देना, अब मैं जैसे कैसे रात दिन लिख रही थी
और 15 को जब मैंने कॉल किया पूछ लिया कि ताकि मुझे मतलब किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे, तो उन्होंने बोला कि 5 अप्रैल तक कर देना। तो मतलब देखो ना, इनका डेट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होता रहता है। जैसे जुलाई में इनका एडमिशन था, नवंबर तक चल ही रहा था। तो चलो जी, तो हम समझ सकते हैं, बिकॉज हर बोर्ड के बच्चे आते, तो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, और जो रिजल्ट है वो भी आगे पीछे होता है। तो उस वजह से बाकी असाइनमेंट में भी ये डेट आगे पीछे करते रहते। अगर आप गांव में हो और उसके बाद आप कहीं सेंटर दूर पड़ रहे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और बाकी ये लोग व्हाट्सएप पे उतना ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते कुछ भी, चाहे वो एग्ज़ाम असाइनमेंट रिलेटेड हो। कभी कभी पोस्टर वगैरह, मतलब कि जो इनका होता है टाइम टेबल, वो शेयर करते हैं कि इस टाइम पर ये हो जाना चाहिए। और अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में मतलब 4000 तक का फ़ीस था मतलब मेरा। और अभी रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन के लिए भी अलग से लगते हैं, बुक्स वगैरह ये अपने तरफ से देते हैं। तो मतलब अफोर्डेबल है, कोई भी मतलब हर कोई कर सकता है, मतलब हर कोई। और बाकी यही है मेरा एक्सपीरियंस, मतलब ठीक ठीक रहा है। तो आप तभी इग्नू के थ्रू करना अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत है घर में, या फिर आप जॉब करते हो, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप प्रेफर करो कि कॉलेज जाओ, बिकॉज उससे सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा और होता है ना एक्सपोजर भी मिलेगा लाइफ में। बाकी यही था मेरा एक्सपीरियंस और यही तक था मेरा ब्लॉग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ इंक्वायरी होगी इग्नू से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर देना प्लीज़, ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स में मतलब कि बता दूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं लग रहा मुझे क्या शेयर करना चाहिए और क्या नहीं। तो अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लेना। बाकी बाय।